तो हमने एनालाइज में लोकेशन को क्लिक किया, यहाँ इंटरनेट मैपिंग सर्विस आ गई। अब ये तो ऑनलाइन सर्च हो रहा है, ट्राई मत करना, बेटर है डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट पे मैं जा रहा हूँ फिलहाल। कुछ डिफ़ॉल्ट सिटी की लिस्ट है, इसमें एक लिस्ट में न्यू दिल्ली आता है। तो इस केस में आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी हो अगर, तब भी ये न्यू दिल्ली की लोकेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को अडेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट में उसका पार्ट है। अब देखो ये क्या करता है, वेदर फोरकास्ट स्टेशन से सबसे नियर बाई दिल्ली सफदरजंग का स्टेशन भी पिक कर लिया दिल्ली के अकॉर्डिंग। साइट अपनी, आप उसको कोई नाम देना चाहो एंड ऑल, अपनी साइट को दे दो, आप ओके कर दो, लोकेशन डिफाइन हो गई। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम 3D में जाते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, यहाँ एक ऑप्शन होता है सन पाथ, ये डिफ़ॉल्ट ऑफ पड़ा है, आप इस पर क्लिक करें, आप सन पाथ ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू विद द करंट सेटिंग, जो भी करंटली हमने सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले तो डायरेक्शंस आ गई। उसके बाद आप क्लिक करें, यहाँ एक ऑप्शन है सन सेटिंग्स, आप क्लिक करें यहाँ सन सेटिंग्स, स्टिल रखना है पूरा सिंह, मैंने बोला स्टिल, देखो लोकेशन अपने आप उठा ली, 18 अक्टूबर सुबह 9 बज रहे हैं, मैंने बोला सर 17 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे के आसपास सन की पोजीशन, देखो जी आ गई सन की, ये सन सन यहाँ होगा, ठीक है। अब सन यहाँ होगा तो उसकी शेडो कैसी बनेगी, सन के जस्ट साइड में शेडो है, शेडो ऑन कर दी मैंने, देखो आपको शेडोज दिख रही है उसकी, और अगर अगर ये 11 बजे की बात होगी तो देखो सन की पोजीशन यहाँ होगी, अगर ये बात होगी 2 बजे के आसपास की, जी अभी आप कुछ कह रहे थे, इसको डिफाइन कैसे किया आपने इसकी लोकेशन, प्लॉट की, प्लॉट की लोकेशन नहीं, मैंने तो इन जनरल सिटी सेलेक्ट किया है, सिटी सेलेक्ट की दिल्ली, तो सिटी के अकॉर्डिंग इसने नोट कैसे दे दिया प्लॉट का, जो सिटी का नॉर्थ नहीं है, अरे तो अच्छा नॉर्थ वेस्ट तो वही है जो हम इमेजिन करके चल रहे हैं, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, उधर नॉर्थ और इधर साउथ, नॉर्थ ऊपर को रखती बिल्डिंग बनाएगा तो बात हमने यही डायरेक्शन ली है साउथ, अपना फ्रंट देखो यही तो है साउथ वाला, ऐसे यही तो लिखा है नॉर्थ में जो कोई रहेगा बस, ये मान लो ये मतलब साउथ ईस्ट में इसका वो है फेस है, कोई बात नहीं, ओरिएंट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बाद में, बिल्डिंग को रोटेट करेंगे या इस प्लॉट को रोटेट करेंगे, प्लॉट को रोटेट, बिल्कुल पूरी बिल्डिंग ही रोटेट होगी, डायरेक्शन तो फिक्स है, ठीक है। खैर ये सन की पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी शेडोज को चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ किस टाइम पर होती है, कैसे इफेक्ट आता है शेडो का टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल, डेट और टाइम आपको सेलेक्ट करना है, वो उसके अकॉर्डिंग बता देगा, इसलिए हम लोग इस लोकेशन का यूज़ करते हैं। तो आर्किटेक्चर टर्म्स में इसकी एप्लीकेशन है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक पॉइंट वो खाली इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए तो प्रॉपर हीटिंग एनालिसिस होती है, वो उसके लिए जो मैकेनिकल वाले बंदे होते हैं जैसे रैबिट पर देखने के लिए, ठीक है मतलब प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली पहले स्पेस बनना चाहिए, स्पेस के बाद उस स्पेस की टाइप डिफाइन होंगी, उस स्पेस टाइप के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग्स, फिर यू फैक्टर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि वॉल का मटेरियल और वॉल की थिकनेस क्या है, फ्लोर के लिए ग्लेजिंग कितना है, सनलाइट कितनी आ रही है, अंदर रूम में कैपेसिटी डिफाइन करती है कि एरिया के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी हो सकती हैं, ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद हीटिंग लोड एनालिसिस होता है, जैसे बाहर से बाहर का जो सन कितना आ रहा है, वही कह रहा हूँ वो सारा, और प्रैक्टिकली रैबिट यूज़ नहीं होता क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमम नहीं है,
सॉफ्टवेयर यूज होता है आवरली एनालिसिस प्रोग्राम, जो करियर का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। या जो इंडिया का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हम लोग एक्सेल पर E20 शीट्स पर कैलकुलेशन करते हैं मैनुअली, एक्सेल पर E20 शीट्स उसके लिए यूज करते हैं। डायलक्स लाइटिंग के लिए कैलकुलेशन के लिए डायलक्स यूज करते हैं, हालांकि ये एप्लीकेशन देता है लेकिन वो है ही नहीं जो ऑप्टिमम रिजल्ट होने चाहिए ये बस। हाँ बस वही ओके। ये अपना एनालाइज टैब पे हम बात कर रहे थे, बाकी ये इलेक्ट्रिकल एनालिसिस, ये रूट्स एनालिसिस, फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सारा मेजरली बिल्डिंग सर्विसेज से रिलेटेड रहता है। मासिंग एंड साइट वाला टैब हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने मास बनाया और अपना साइट्स वगैरह का कंपोनेंट्स बनाए। आप कोलेबरेट टैब पर आए, हमने कोलेबरेट वर्क सेट्स के बारे में बात की, सेंट्रल मॉडल कैसे बना था, वर्क शेयरिंग, कॉपी मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेशन को रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें हमने चेक की थी। उसके बाद आप व्यू टैब पर आए थे, व्यू टैब के बाहर हम नहीं आए हैं बेसिकली अभी तक, ठीक है। अब हमारा ये व्यू टैब स्टार्ट होना है प्रैक्टिकली। आपको याद है जब हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था कि हम लेवल्स बनाते हैं, जब हम लेवल डिफाइन करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान अपने आप बन जाते हैं, इवन स्ट्रक्चर प्लान भी बन जाते थे, लेकिन हमने स्ट्रक्चरल प्लान को अनचेक कर दिया था जिससे स्ट्रक्चरल प्लान ना बने। बाद में चल के आपको ज़रूरत पड़ती है कि मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्लान भी बन जाते, लेवल तो ऑलरेडी डिफाइन है, बाद में अगर आपको स्ट्रक्चरल प्लान बनाने हैं तो आप व्यू टैब को ही यूज़ करेंगे। व्यू टैब में नीचे की तरफ क्रिएट, जो भी चीज़ क्रिएट करनी है यही जोनी है, क्या क्रिएट करना है, प्लान व्यू स्ट्रक्चरल प्लान। मैं जैसे ही स्ट्रक्चरल प्लान पे क्लिक करूँगा कौन कौन से क्रिएट करने हैं आपको, ग्राउंड का, फर्स्ट का, सेकंड का, मल्टी का, हमने बोला चारों का स्ट्रक्चर प्लान भी चाहिए, सेलेक्ट करो, ओके कर दो, स्ट्रक्चरल प्लान आ गए, ऐड हो गए सारे, कैटेगरी डिफाइन हो गई नहीं, बाकी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वर्क कर सकते हो, वो एक अलग बात है। सेकेंड एक चीज़ आपने व्यू प्रॉपर्टीज़ में देखी थी, व्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक हमें दिखता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आपको व्यू रेंज पर दिखाता हूँ, व्यू रेंज 1200 पर कट रही है और टॉप है 2300 पर। अगर मैं आपको एलिवेशन पर लेकर जाता हूँ, एक फ्लोर की हाइट है लगभग 3000, मतलब 2300 पे आप कट कर रहे हो, मतलब 2300 पर टॉप है, 1200 पे आप कट कर रहे हो, तो डोर जो है, डोर की हाइट चेक करें अगर हम, तो 2025 तक विद फ्रेम जा रहा है, ठीक है जी, 2100 मान लिए चलो अपने, तो अगर मेरा कट प्लेन 2100 या उससे ऊपर आ जाए तो मुझे फ्लोर प्लान पे डोर नहीं दिखेगा टॉप व्यू में। ये जो वॉल कटिंग मुझे दिखती है गैपिंग, ये वॉल की गैपिंग दिखनी बंद हो जाएगी, यानी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ से व्यू रेंज पर गया और मैंने यहाँ जा कर के 2150 पे कट प्लेन को मूव किया, बहुत अच्छे, उनकी रेंज ज़्यादा है, इसकी रेंज सही है, हाँ वो हो सकता है 8 वाले लगा रखे हो। तो हम वापस आते हैं जी, व्यू रेंज इसे कर देते हैं 27, इसे कर देते हैं 2450, ओके। अरे क्या बात है भाई, ओह 2550 तक जा रहा है, 2550 पे लग रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ यार, ऐसा हो क्या रहा है। ओके व्यू रेंज इसे 3000 कर दें, इसे 2650 कर दें, ओके नाउ देखो ये कंप्लीट आ गई ना, कटिंग्स दिखनी बंद हो गई। अब जो मैं व्यू रेंज चेंज करता हूँ वो व्यू रेंज थ्रूली चेंज होती है, यानी कि पूरे प्लान में चेंज लगती है एक साथ। मेरी रिक्वायरमेंट है कि सर क्या मैं व्यू रेंज किसी स्पेसिफिक एरिया की चेंज कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि पूरे प्लान पे एक साथ अप्लाई हो, मैं किसी स्पेसिफिक रीजन की केवल व्यू रेंज बदलना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो मुझे बस इस एरिया की चेंज करनी है, तो हम अगेन प्लान व्यूज में जाएं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है प्लान रीजन, यहाँ आके आप रीजन डिफाइन कर दो, कितने रीजन की आप बात कर रहे हो, मैंने बोला मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ओके, तो इस रीजन को बताते ही इसकी व्यू रेंज का ऑप्शन अलग आ जाएगा आपको।
अब आप क्लिक करेंगे तो आप व्यू रेंज जो डिफाइन कर रहे हैं वो केवल अपने इसी रीजन की डिफाइन कर रहे हैं, बाकी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अपना किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हम चेंज कर सकते हैं। फिर प्लान व्यूज में ही एक ऑप्शन आ जाता है कि एरिया प्लान। अब आपको याद होगा मैंने एरिया आपको डिफाइन किया था आर्किटेक्चर टैब में, ये सेम टूल है, बस आइकन बदल दिया उन्होंने। सेम ऑप्शन था ना, रेंटेबल एरिया एंड ऑल कॉन्सेप्ट फ्लोर में डिफाइन करना था, वही सारा पूरा एज इट इज टूल है उठाकर प्लान व्यूज में एरिया प्लान। बाकी और कुछ इसमें नहीं है, कोई भी फ्लोर प्लान बनाना, सीलिंग प्लान बनाना, स्ट्रक्चरल प्लान बनाना, प्लान रीजन डिफाइन करना और एरिया प्लान बनाना, बस। अच्छा, उसके अलावा मुझे किसी स्पेसिफिक रीजन की डिटेलिंग करनी है तो आपको क्या करना होता है, एक कॉल आउट बनाना होता है किसी स्पेसिफिक पार्ट का। तो आप यहाँ से कॉल आउट डिफाइन कर सकते हो, अगर रेक्टेंगुलर शेप चाहिए तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लो, नहीं तो वहाँ स्केच भेज है तो आप कैसा भी व्यू बना सकते हो। जैसे ही आपने बनाया कॉल आउट वन, देखो यहाँ आ गया ग्राउंड फ्लोर, ये स्पेसिफिकली आ गया आपके पास। यहाँ पर अंडरले में कुछ दिख रहा होगा, अंडरले में कुछ नहीं है, वो मुझे लग रहा है कैड फाइल का व्यू आ रहा है। तो कैड फाइल में यहाँ से डालेंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स इंपोर्ट कैटेगरीज, ठीक है जी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई सिंपल कॉल आउट या स्केच पेज में फिर किसी भी शेप का कॉल आउट बना सिंपली, ये तरीका है अपना कॉल आउट बनाने के लिए। सेक्शन आप यूज़ करते आ रहे हैं, 3D आप यूज़ कर रहे हैं, 3D के जस्ट नीचे की साइड आएँ तो हमारे पास होता है कैमरा व्यू। हम यहाँ जाते हैं, कैमरा पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ खड़े हैं और इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो हमें स्टेयर दिखेगी, लेकिन कटिंग हो रही है पीछे क्योंकि एक लिमिट तक फार क्लिप काम करेगा। अगर आपको अनलिमिटेड करना है तो आपको प्रॉपर्टीज़ में जा करके फार क्लिप एक्टिव को डिसलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपकी उस डायरेक्शन में आप थ्रूली देख पाओगे जहाँ तक आप देख रहे हैं, तो केवल हाँ इंटीरियर के ही टर्म्स में काम आता है। तो इंटीरियर को देखने के लिए अब ऐसा नहीं है हमें चीज़ें हाइड करनी है, बस अंदर जाके कैमरा लगा के उधर डायरेक्शन में देख लो, बात खत्म, तैयार। और इसको जैसे ही आपने कैमरा लगाया इस 3D व्यूज़ के अंदर ही जा करके एक 3D व्यू 1 बन गया। आप यहाँ पे इसको रीनेम करके बोल सकते हो स्टेयर्स व्यू, तो हमें पता होगा हाँ यार इस व्यू में क्या है। जितने कैमरा लगाते जाओगे सारे यहाँ ऐड होते जाएंगे व्यू, ये अपना कैमरा व्यू होता है। अभी वॉक थ्रू के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लास्ट रुक जाइए अभी। अभी हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मटेरियल्स वगैरह तो अभी नहीं दिए हैं, खैर तो हम आते हैं मान लीजिए सेकंड फ्लोर। फर्नीचर कहीं भी नहीं है किसी भी रूम में, हाँ मतलब है नहीं अभी ना, चलो इसे हटा दें। एक चीज़ तो देख सकते हैं, मैंने फिलहाल इसे हटा दिया, कैमरा देखो जी आप अपने हिसाब से यहाँ हाइट भी दे सकते हो। क्या आपने बोला कि सर मेरी हाइट है लगभग 6 फिट और मैं यहाँ कहीं बाहर खड़ा हूँ इस कॉर्नर से और अपने घर को ऐसे देख रहा हूँ इधर से इस डायरेक्शन में, तो मुझे ये भी कुछ व्यू दिखेगा हाँ। आप कोई भी एक रैंडम व्यू ले सकते हैं। अब इसको रिलीज करेंगे तो इसमें ये शेड करेंगे तो इतना ही एंड हो जाएगा, बेसिकली फ्रेम बन गया है ना। हाँ आपने फ्रेम डिफाइन कर दिया, फायर क्लिप को एक्टिव कर दिया, यहाँ से आपने फाइन किया, यहाँ से आपने इसे शेडेड थोड़ा देखना कोशिश की, जिस एंगल पर आप देख रहे हो प्रैक्टिकली वही दिखेगा आपको। नाउ आपने अगर यहाँ मटीरियल वगैरह दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल,
न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम वॉल पेंट, एसेट ब्राउजर, अपीयरेंस लाइब्रेरी, यहाँ पे होगा पेंट, ग्लोसी, मेटल, मेटालिक, पाउडर कोट, रफ, पाउडर कोट, स्मूथ। अब इसमें से जो आपको पेंट चाहिए आप उस पेंट टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल पर ही आ जाओ, वॉल पेंट ये है हमारे पास। मैंने बोला मान लीजिए ये वाला मुझे यूज़ करना है ब्रिंडल, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वॉल पेंट वाली ऑप्शन में रिप्लेस हो गया, यहाँ आ गई उसकी प्रॉपर्टी। ग्राफिक्स में जाके मैंने रेंडर अपीयरेंस भी ऑन कर दिया ताकि शेडेड में मुझे इसी कलर की शेड दिखे। इसकी टोन अगर कम ज़्यादा करनी है आप क्लिक करो, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी तो मैं रैंडम ले रहा हूँ, अभी मुझे यहाँ दिख रहा है लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है प्रैक्टिकली। फिलहाल फ्लोर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिलहाल मैं कुछ दे देता हूँ, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ है अलग। वॉल कॉर्निश लगाई है आपने, ओके चलो जी, कुछ अलग ब्लैक शेड मैंने उसको दे दी। अब मैं यहाँ जाता हूँ व्यू टैब पर, मैं था व्यू टैब में ही, यहाँ एक रेंडर का ऑप्शन है, आप रेंडर पर जैसे ही क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगी। विंडो में आपके पास यहाँ ऑप्शन है सेटिंग क्वालिटी को लेकर, जितना अच्छे क्वालिटी सेलेक्ट करोगे टाइम भी उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं फ़िलहाल मीडियम पर रोक देता हूँ। स्क्रीन अभी फ़िलहाल इतने पिक्सलेट्स हैं तो जो इमेज बनेगी लगभग 1.1 MB की बनेगी। जो लाइटिंग है इसकी मेरी वो एक्सटीरियर है क्योंकि मैं रेंडर ले रहा हूँ एक्सटीरियर का। जब मैं किसी इंटीरियर पोर्शन का रेंडर लूँगा तो मैं इंटीरियर के ऑप्शंस को यूज़ करूँगा। अभी तीन ऑप्शन इंटीरियर में है, तीन ऑप्शन एक्सटीरियर में आ रहे हैं। एक ऑप्शन है सन ओनली, यानी कि केवल डे लाइट यूज़ होगी। अगर आपने कहीं पर लाइट्स लगा रखी हैं इनर पोर्शन में या बाहर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्लेस कर रखी हैं, आप चाहते हो उसका इफेक्ट भी देखना, तो आप केवल आर्टिफिशियल ओनली यूज़ कर सकते हो। इस वक्त सनलाइट डिसेबल हो जाएगी तो जितनी भी लाइट आपके प्लेसिंग वाली आर्टिफिशियल लाइट से आएगी केवल उसका रेंडर आएगा, इफेक्ट दिखेगा। सन एंड आर्टिफिशियल यानी कि दोनों का इफेक्ट आप चेक करना चाहते हो, ये आप इनर में प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। खैर फिलहाल हम बाहर हैं, केवल सन ओनली पर आ गए। सन ओनली पर आने के बाद हमने बोला सिंपली कि भैया आप रेंडर कर दो इसको। फिलहाल हमारे पास विद शेडो मटेरियल की ग्लोसीनेस हर चीज़ हमारे सामने आई है कि वो ग्लोसीनेस कैसे ले रही है। इसका ही हमारा बेसिकली बैकग्राउंड में यहाँ सेलेक्टेड है। अगर हम यहाँ कर देते कोई इमेज लगानी है पीछे, ट्रांसपेरेंट रखना है तो नो क्लाउड्स, खाली इसका इसका या क्लाउड ना दिखे, तो ये सब सेटिंग यहाँ से कर सकते हो बेसिक। बाकी जितनी अच्छी क्वालिटी पर जाते जाएंगे उतना बेटर होता जाएगा। अगर आप चाहते हो ये इमेज एज ए इमेज फाइल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप किसी भी लोकेशन पर जाके JPG फाइल सेव कर सकते हो। आप चाहते हो कि सर मुझे बाहर तो एक्सपोर्ट नहीं करना लेकिन इसी प्रोजेक्ट में सेव करना है, तो सेव टू प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका नाम पूछा जाएगा, आप ओके करोगे तो एक पैनल ऐड हो गया रेंडरिंग्स। तो आप रेंडरिंग के अंदर मल्टीपल रेंडर्स भी ऐड कर सकते हो अलग अलग व्यूज़ के। जैसे स्टेयर्स हमने सेट कर रखी है कैमरा, आप उसका भी रेंडर निकाल दो, उसे भी सेव कर दो तो उसका भी रेंडर सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप जैसे कैमरा व्यू सेट सेव कर सकते हो, इसी तरह इस व्यू हमने रखा हुआ है उस पर क्लिक करके 3D व्यूज ये रहा ना, उसके बाद उसको रेंडर पे क्लिक करके इसका रेंडर बता देगा। अब देखो डबल आर प्रेस करो सिंपली और रेंडर रेंडर के लिए डबल आर इसमें भी लिखा रहता नहीं लिख लिया।
सन है, अदरवाइज ये विंडो भी ना दिखती इतनी ग्लेजिंग, लेकिन सन की डायरेक्शन कहीं पीछे की तरफ होगी तो बहुत कम लाइट है और आर्टिफिशियल लाइट है नहीं, इसलिए सब डार्क हो गया है, इतना ही दिख सकता है, लाइटिंग नहीं आ रही इतना ही दिख सकता है। हाँ दिन क्या है, लाइट है बंद, लाइट है नहीं अंदर अभी, अभी लाइटें लगी ही नहीं कब ना हमारे बिल्डिंग में तो अंधेरा तो है भाई, मोबाइल की टॉर्च जला के जाना पड़ेगा। ओके फ्लोर प्लान को रेंडर कैसे करना चाहते हो, मतलब आपने बोला ये ग्राउंड फ्लोर है सर, हम यहाँ अगर सारे मटेरियल वगैरह हमने लगा रखे हैं, हम रियलिस्टिक में जाएंगे, अगर हमने यहाँ फ्लोर लगा रखा है, फ्लोर पे मटेरियल लगा रखा है वो दिखाई देगा, तो आप सिंपली डबल आर प्रेस करोगे तो ये आपको क्या एरर देगा, रेंडर आप निकाल सो 3D व्यू का, अगर आपको रेंडर निकालना हो इसी में लेकिन चाहिए टॉप व्यू का ही, तो उसके लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, आप 3D पर आ जाओ। 3D पर आकर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, है होती है सेक्शन बॉक्स, सेक्शन बॉक्स एक्टिवेट कर लो। अब मैं फ्रंट व्यू पर आ गया, पहले मैंने इसे पकड़ा, इसे कट कर दिया जी, इसे पकड़ के ये रहा हमारा टॉप व्यू, अब इसको रेंडर कर सकते हैं। तो 3D को ही करेगा ये, और जैसे सन पाथ को भी हम वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सन पाथ नहीं देना। हाँ हाँ बिल्कुल हटा दिया अंदर लाइटिंग कर देते तो आने, पर अब इससे लाइट नहीं आएगी क्योंकि काट दिया इसको, अभी फिर इसको सन पाथ करेगा, टोपी डाल नहीं आएगी, टोपी डाल दी ना लाइट के ऊपर लगी हुई है, हाँ एग्जामिनेटर भी क्या है हाथ में लगा, ठीक है ठीक है डन, फिर ये तरीका आप अपना सकते हैं। ओके ये भी सही है, जैसे अभी सर ने बताया, हाँ विजुअलाइजेशन तो इतना ही दिखाया जाता है, इतना काट के फ्रीचर लगाओ तो बढ़िया लगता है, हाँ बहुत अच्छा दिखता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही दिखाया जाता है हमेशा, कटिंग करके वॉल्स की और डोर विंडो की कटिंग हो करके बस वॉल इतना दिखाए, ये आधे आधे इसलिए दिखते हैं ताकि दिखे कि हाँ यहाँ डोर है यहाँ विंडो है। सेक्शन बॉक्स मैंने एक्टिवेट किया है बस 3D में, जब तक ये एक्टिवेटेड रहेगा ये बॉक्स रहेगा, आप इससे एडजस्टमेंट कर सकते हो, कुछ नहीं प्रॉपर्टीज में होता है 3D व्यू भी, हाँ यहीं से एक्टिव करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना, भूलने वाले आइटम। ओके अब यहाँ आते हैं यार, इससे रिलेटेड एक और चीज़ थी, सेक्शन बॉक्स से याद आया मुझे, स्कोप बॉक्स, ये रहा देखो बॉक्स से बॉक्स याद आया, स्कोप बॉक्स में यार देखो सेक्शन बॉक्स में क्या हो रहा है, जब आप 3D में जा रहे हो उसके बाद जा कर के हमें वो कटिंग वटिंग करनी पड़ रही है, तो हम समझ नहीं पा रहे एक्चुअली में हमें कितना एरिया उस बॉक्स के अंदर चाहिए, अगर हमें टॉप व्यू में ही जाके ये डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअली क्या कटिंग करना है, तो अब देखो अब हम टॉप व्यू पर है, हमने यहाँ से स्कोप बॉक्स पे क्लिक किया, नाम दे दो S1, उसकी हाइट आप डिफाइन कर दो, हमारी हाइट है 4500, आपने यहाँ से क्लिक किया, ये एरिया लिया क्या, ठीक है व्यूज़ जो विजिबल होंगे एडिट में जा करके, ये सारे व्यूज़ वहाँ विजिबल हैं और कुछ चीज़ें इनविजिबल हैं, देखो सेटिंग में आप ऑटोमेटिकली है ये, आप उसे ओवरराइड भी कर सकते हो यानी कि चेंज कर सकते हो, ये चीज़ इनविजिबल है, आप चाहते हो विजिबल हो तो हाइट ऊपर चली जाएगी, लेकिन मैंने बोला हम तो हाइट के हिसाब से जब चले ही हैं हमें 4500 देखना है तो हमें उसे चेंज क्यों करना। अच्छा तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि 3D व्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये तो थी सेक्शन बॉक्स की कहानी, इसे हटा दो, यहाँ एक और चीज़ है ना स्कोप बॉक्स, वो आपने ऑलरेडी बना दिया टॉप व्यू में, अब आप यहाँ जाके उसे सेलेक्ट कर लो, अप्लाई कर लो, डॉक्टर
ठीक है बाप, दैट इज आवर स्कोप बॉक्स। एक सेकंड, ओके जी, कुछ कह रहे थे? स्कोप बॉक्स इज क्लियर। तो सेक्शन बॉक्स और स्कोप बॉक्स, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं विजुअलाइजेशन के केस में जब हम बात करेंगे, स्पेशली क्लाइंट की साइड से। नहीं, इसका तरीका है ना, आप लेयर इंसर्ट करोगे एक वॉल की तरह। अच्छा, इस लेयर को बताओगे फिनिश लेयर, उसकी थिकनेस बताओगे, उसका मटेरियल बताओगे। अलग लेयर देखो, अब आपकी इन्हीं बातों से एक और चीज मेरे माइंड में आई है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने कंपाउंड वॉल्स यूज़ किए हैं, यानी कि एक मल्टीपल लेयर है वॉल्स के अंदर, क्लाइंट को आपको दिखानी है वो लेयर्स विद मटेरियल टेक्सचर एक ही जगह। तो उसका एक बहुत बेस्ट तरीका है दिखाने का, आप क्या करिए, आपके पास कोई भी एक कंपाउंड वॉल है, फिलहाल तो कोई लॉजिक नहीं है किसी कुछ भी हम बनाएं ग्राउंड से फर्स्ट तक, ये अपने पास एक वॉल है। इन जनरल अगर हम 3D में आए तो हम तो यही दिखा सकते हैं ना बस, और कुछ तो दिखना नहीं है। यहाँ एक ऑप्शन होता है 3D में, पार्ट्स विजिबिलिटी। अभी क्या है, शो ओरिजिनल। मैंने यहाँ जाके क्लिक किया शो पार्ट्स, अभी भी यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब पहली कंडीशन ये कि वो वॉल का लेयर्स में होना ज़रूरी है, मल्टीपल लेयर्स में चेक करो आप, मल्टीपल लेयर्स हैं इसके पास, ठीक है। आप वॉल को सेलेक्ट करते हो, तो वॉल को सेलेक्ट करते ही ऊपर की तरफ क्रिएट में एक ऑप्शन होता है क्रिएट पार्ट्स, आप जैसे ही क्लिक करोगे उसने उसको पार्ट्स में तोड़ दिया। टूट गया है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, अभी तो ये ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ना यहाँ अंदर क्या है। मैंने बोला क्या इससे बेटर कुछ कर सकते हैं, मैंने बोला एक एक अब आप सेलेक्ट करोगे ना, अगर ध्यान रखना पार्ट्स विजिबिलिटी में शो पार्ट्स इनेबल्ड होगा तभी ये दिखेंगे अलग अलग इस तरह। ये कंडीशन ज़रूरी है। बिल्कुल। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर किसी भी एलिमेंट को, यहाँ एक ऑप्शन आता है शो शेप हैंडल्स, इसे एक्टिवेट कर दो आप। आप बता दो कि सर देखो ऊपर तो ये वाली लेयर है, उसके पीछे ये वाली लेयर है, उसके पीछे ये वाली लेयर है, उसके पीछे ये वाली लेयर है, ये वो होगा ब्लैंक वाला, उसके पीछे ये है सर, ये लास्ट है। आप देखो रिप्रेजेंटेशन है ना परफेक्ट, तो आप इस तरीके से इस व्यू को ले जा सकते हो, दिखा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सर देखो आपकी वॉल सिंपल नहीं है, इस तरह डिवाइड है कैटेगरी में, जो भी है देखो ये काइंड ऑफ इंसुलेशन ही था। ये देखो ये ट्रांसपेरेंसी दिख रही है आपको, ये प्रैक्टिकली एक लेयर है, इसमें कोई मटेरियल ऐसा ही होगा सिंपल वाला, गैप है, ठीक है। तो कभी बहुत सारी चीज़ें बातों बातों से याद आती है ना प्रोजेक्ट में,
ये किसी ने क्वेरी पूछी थी कभी, तो इसका सॉल्यूशन पे रिसर्च की गई, फिर जाके इसका सॉल्यूशन समझ आया कि हाँ यार ये बेटर ऑप्शन है। ओके, हम बात कर रहे थे कहाँ थे जी, हम वही है, हम ज़्यादातर इधर उधर जाते हैं हमेशा। ओके तो भाई 3D व्यूज़ हो गए, सेक्शन हो गए, कॉल आउट हो गया, प्लान व्यूज़ हो गए हैं, यहाँ नीचे एलिवेशन, जैसे इन जनरल एलिवेशन 4 होते हैं, उसके अलावा कोई रैंडम एलिवेशन आपको बनाना चाहते हो आप कहीं पर, आप प्लेस कर सकते हो कोई भी हो, फिर उसको प्लेस कर दिया आपने, आप रोटेट करके उसके ओरिएंटेशन को सेट कर लो। मुझे ये वाला कुछ व्यू चाहिए सर, तो एक नया एलिवेशन आपने ऐड कर दिया यहाँ, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका एलिवेशन दिखाई देगा, उसमें क्या क्या है। हाँ तो जी ये आ गई, अरे वो लिमिटेशंस, इसका दायरा पहले कितना था इसमें, ये पता कैसे लगता है दायरे के, इसको क्लिक करके यहाँ था, यहाँ था ये, इसके पास अंदर नहीं गया वो, इसका मतलब उसने वहाँ तक ही देख रहा है। हाँ आगे खींचेंगे तो पता पड़ेगा, वही कोई बैठा है। ठीक है जी, ठीक है, तो आप चलो जी, ये अपना एलिवेशन का कंसीडर है। फिर आ गया ड्राफ्टिंग व्यू, कोई ऐसा व्यू बनाना है आपको जो आपके अच्छा, ये हमने कल डिस्कस किया था आई थिंक कल के लेक्चर में, जब हम वो डिटेल लाइन वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, मैंने यही पढ़ा था कल, कि आप ड्राफ्टिंग व्यू पर आकर एक ब्लैंक ऑप्शन हो जाता है और आप कोई भी 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको वो डिटेलिंग्स करके दिखाया था, हैचिंग वगैरह एंड ऑल, वो सब हमारा ड्राफ्टिंग व्यू था। किसी व्यू का कोई डुप्लीकेट बनाना है, जैसे एक पे डिटेलिंग दिखाना है, एक में डिटेलिंग नहीं दिखाना, तो आप उस पे राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट कर सकते हो विद डिटेलिंग या विदाउट डिटेलिंग, या वही ऑप्शन यहाँ भी है। अब बात आ जाती है जी लीजेंड्स, अब ये लीजेंड क्या है सर, चलो कोई बात नहीं, मुझे यूज़ करना है, डोर लीजेंड, अगेन एक ब्लैंक व्यू ओपन हुआ। अब कुछ चीजें तो कल डिस्कस की थी, वो थी ड्राफ्टिंग व्यू को लेकर, आज हम बात कर रहे हैं लीजेंड व्यू की। अब ठीक है, पहले एक अप्रोक्सीमेट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बताता हूँ उसके लिए टेबुलर डाटा, मतलब थोड़ा काइंड ऑफ यहाँ ऑटोकैड की तरह हमें काम करना पड़ेगा। मैं चलता हूँ लीजेंड आ गया, ये सब तो ऑप्शन डिसेबल हो गए, देखो मॉडल्स के ना सारे ऑप्शंस डिसेबल हो गए अपने आप, जो ड्राफ्टिंग के लिए है वही एक्टिव हो गया इसमें, फाइल इंपोर्ट करनी है, पिक्चर निकालनी है, बात तो सही है हमारी, लीजेंड व्यू तो बन गया, डोर लीजेंड मैंने उसको नाम भी दे दिया, उसके बाद यहाँ एलिमेंट भी तो लाते थे हम, कल के लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आया था जी शेड्यूल, शेड्यूल्स पर जाइए सीधे, शेड्यूल और क्वांटिटीज का एक ऑप्शन है, आपने क्लिक किया, अब क्या शेड्यूल चाहिए, डोर का चाहिए तो डोर का बनेगा, विंडो का चाहिए तो विंडो का बनेगा, वॉल का बनाना है तो वॉल का बनेगा, यानी कि आपको डिसाइड करना है किसका शेड्यूल बनाना है। लेट्स से चलो अपने डोर पर आ जाते हैं जी, नाम दे दो, ओके कर दो, डिटेल्स आ गई, अब क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए शेड्यूल में वो ऐड कर दो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जैसे मुझे चाहिए सर उसका फैमिली और टाइप क्या है,
मैंने उसका ऐड किया है सर मार्क, मैंने उसको ऐड किया है, उसका विड्थ क्या है, मुझे डिसाइड करना है उसका हाइट क्या है, मुझे डिसाइड करना है वो किस लेवल पर लगा है, ठीक है जी, मुझे उसका काउंट कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, बाकी फ्रेम मटेरियल एंड ऑल, कंस्ट्रक्शन टाइप भी चाहिए। चलो जी ये भी आपने ऐड कर दिया, तो जो जो चाहिए पैरामीटर्स ऐड करो, ऐड करते ओके करो, बात ख़त्म। जो वैल्यूज वहाँ पड़ी हैं फैमिली में वो ऐड हो जाएंगी, जो वैल्यू नहीं पड़ी हैं वो नहीं आएंगी, वो मैन्युअली डाल देंगे। एग्जैक्टली। नाउ हमने एक चीज़ पहले बात करी, जैसे कंस्ट्रक्शन टाइप और कॉस्ट, ये दो वैल्यूज वहाँ नहीं है फैमिली में। अब यहाँ से चेक करें, अगर D3, D2, D4, D1 किसी में भी नहीं है ये वाली प्रॉपर्टी, अच्छा कुछ स्लाइडिंग डोर भी हैं, उनको हमने कोई मार्क दिया नहीं है इसका मतलब। अच्छा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डोर को सेलेक्ट कर सकते हो, जब 3D में जाओगे प्रैक्टिकली वही सिलेक्टेड रहेगा, SA सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ जाके हमने बोल दिया स्लाइडिंग डोर को SD, वहाँ ऑटोमेटिकली अपना चला गया SD। हाँ पैरामेट्रिक है, सब कुछ पैरेलली चेंज होगा। अगर ये शेड्यूल, ये प्लान आपने शीट पे भी ले जा करके प्लेस कर रखा है, वहाँ भी पैरेलली चेंज हो जाएगा सब, टोटल पूरे प्रोजेक्ट में एक साथ। हर जगह गलत है, और एक जगह सही तो हर जगह सही है। रिलेट है ना सारी चीज़ें। अच्छा चलो अब बात आ जाए पहले कोस्ट और कंस्ट्रक्शन टाइप की। हमने यहाँ से D3 को पकड़ा सबसे पहले, एडिट टाइप, यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन टाइप की प्रॉपर्टी आ गई है क्या जी, ये आए जी, हम कोई ऑप्शन है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन टाइप में क्या आता है प्रैक्टिकली, चलो जो भी डालोगे अगर डिफाइन कर दोगे तो वो वहाँ आ जाएगा, बस हमें तो इतना पता है। जो भी टाइप है आप यहाँ डाल दो वो वहाँ आ जाएगा, सिंपल फैमिली में, ठीक है ओके। दूसरी बात आ गई कॉस्ट की, अगेन कॉस्ट भी डिफाइन नहीं है, आप डिफाइन कर देंगे तो आ जाएगी। मटेरियल से लिंक नहीं है, आपको ये तो पता होगा ना ये डोर कितने का है, पूरे डोर का अभी बात हो रही है, उस एंटिटी की जो आपने सेलेक्ट की है। अगर आपको पूरे की कॉस्टिंग पता है, और क्योंकि ये डोर विद फ्रेम है यानी कि कॉस्ट भी हमें टोटल डालनी है। अब फॉर एन एग्जांपल पूरा डोर विद फ्रेम आपको पड़ रहा है जी 25,000 रुपये, आपने यहाँ जाके डालनी है वैल्यू, सिंपली आप ओके कर दो, वो 25,000 रुपये का D3 हो गया जी, ठीक है। इसी तरह हम गए सर D2 की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड इंसर्ट, अच्छा वॉल पे हम प्लेस थोड़ा ना कर रहे थे भाई, चलो स्लाइडिंग डोर भी तो चाहिए, इसकी भी कॉस्टिंग डाल दो, इससे बाद में D3 किया था हमने, ये भी तो प्लेस कर रखा है ना, इसकी भी कॉस्ट डाल दी हमने, और D4 को भी पकड़ लो जी, D4 की कॉस्टिंग है, और कुछ बचा है क्या, D2 ही बचा है बस, यहाँ से सेलेक्ट करा है ना, तो जब 3D व्यू पे जाओगे आइटम तो सेलेक्टेड है ना, प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं ना बाय डिफॉल्ट, तो मुझे 3D में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा यार पहले D2 ढूंढू कहाँ है, वो शेड्यूल से ही सेलेक्ट कर लिया, वहाँ फिर ही सेलेक्टेड आएगा, सो सीधा प्रॉपर्टीज खोलो और काम शुरू। नहीं एक क्लिक बस, जो भी आइटम सेलेक्ट करूँगा वो वहाँ भी सेलेक्टेड मिलेगी, ठीक है।
अब सर मुझे ये चाहिए सबसे पहले तो कि सारे D1 एक जगह, D2 एक जगह, D3 एक जगह, अभी ये हो रहा है कहीं ऊपर कहीं नीचे आ रहा है, तो यानी कि मैं डाटा को सोर्ट करना चाहता हूँ किसके अकॉर्डिंग, मार्क के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए। फुटर में एक टोटल के लिए वैल्यू चाहिए, जहाँ उसके बाद एक लाइन भी आ जाए, D1 ख़त्म हुआ तो एक ब्लैंक लाइन भी आए, फिर D2 फिर D3 इस तरह। सबसे नीचे ग्रैंड टोटल भी चाहिए, कि जैसे ऊपर आ गया D1 के 5 हैं, D2 के 4 हैं, तो सबसे नीचे ग्रैंड टोटल में 5 और 4 9 भी दिखाए, टोटल डोर कितने हैं। लेकिन इन जनरल टोटल वो करेगा नहीं, फॉर्मेटिंग में जाके आपको बताना पड़ेगा कि सर आपको काउंट का टोटल चाहिएगा एक, तो एक आपको कोस्ट का भी टोटल चाहिएगा, पैरामीटर डिफाइन कर दीजिए। अब आप ओके कर दीजिए, D1 टाइप एक ही है जी आपके पास, D2 टोटल 10 हैं, D3 टोटल 7 हैं, D4 एक है और स्लाइडिंग 2 हैं, तो टोटल डोर 21 हैं और टोटल कोस्टिंग ही आ गई। मैं बोला चलो सर यहाँ तक भी बात ठीक है, अपियरेंस में जाते हैं, यहाँ एक ऑप्शन होता है स्ट्राइप रोज, इसे अगर मैं एक्टिवेट कर दूँ, मैं कह रहा हूँ सर अल्टरनेट रोज का कलर कुछ अलग अलग कर दो जिससे डाटा रीड करने में प्रॉब्लम ना आए, फर्स्ट रो और सेकंड रो स्ट्राइप रोज अल्टरनेट कलर्स आ गए। सर ये डाटा जैसे 111 लिखा है कॉर्नर पे भाग रहा है, इस कॉलम को सेलेक्ट करो, अलाइनमेंट सेंटर कर दो जी भाई साहब, बाद में से ठीक है, इस तरह डाटा कर सकते हो। इवन आप इस इन सब वैल्यूज के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, देखो वो फ्लोर वाइज भी डाटा दे रहा है ना आपको, है ना, है वो भी सॉल्यूशन हम जो देते हैं ना, हाँ मैसेज दे देते पिछली के नंबर्स NOS, मतलब आप इनको कंबाइन कर दोगे बस, D2 टोटल 10 ऐसे कह रहे हो आप। हाँ, देखो ईमानदारी से मैं बताता हूँ क्या है, ये डिटेल इस तरह बाइफरकेट करके दे देता है। आपने करना क्या होता है लास्ट में, जैसे मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल के अंदर आप नीचे की तरफ जाएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में नीचे की तरफ आ जाओ, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में एक शेड्यूल, आप क्लिक करो CSV फॉर्मेट, डेस्कटॉप पर आपके चला गया। अब आपके पास आ गई जी एक्सेल फाइल, अब जो मर्जी आप काम कर लो, ये रहा आपका शेड्यूल। नहीं नहीं, ये आपके पास केवल डेटा एक्सपोर्ट करने का तरीका है, इम्पोर्ट नहीं कर रहे यहाँ से वापस इस फॉर्मेट से, ठीक है आज यहाँ पर रोकते हैं इसको, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।